गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ट्रेडिंग इज 10% बाइंग, 10% सेलिंग एंड 80% वेटिंग। व्हाट इट मींस? मींस इट इज नॉट नेसेसरी कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड हैव ए पोजीशन। जस्ट लाइक फिशिंग, ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक फिशिंग। जहां पे आपको इंतजार करना पड़ेगा आपका फिशिंग रॉड लेके, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक फिश उस फिशिंग हुक में आके खुद ब खुद अटकता नहीं है। जैसे ही अटक गया तो आप उसके बाद उसको उठा के फिश को कैच करोगे। सिमिलरली ट्रेडिंग इज ऑल्सो लाइक फिशिंग। यू नीड टू लर्न टू वेट। आज है 17th of November 2022। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। डॉलर इंडेक्स 106.52 पे है। आप देखोगे कि एक जो शार्प फॉल आया पोस्ट यूएससीपीआई, उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन जोन में अटका हुआ है। ऊपर में 107 और नीचे जो मारा था आपका 105.50 तक एक दिन। उसके बाद 15th of November में एक पिन बार बनाया हुआ है। पिन बार एट परफेक्ट आफ्टर ए डाउनफॉल। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हाई, उसका हाई तोड़ेगा, टूटेगा ऊपर की तरफ, एक अप, एक ऊपर की तरफ हम मूवमेंट देख सकते हैं। One more concept is W pattern. जैसे यहाँ पे देखिए, पहले sharp fall आया, उसके बाद एक green candle आया। जैसे green candle, first green candle पे buy नहीं करना है, उसके बाद इंतजार करना है next red candles का। उस red candle के formations के बाद जब ये high को तोड़ेगा, red के high को तोड़ेगा, thereby it will be making like this एक W pattern. Once this high of the pin bar is made, उसके बाद ये ऊपर की तरफ हम एक retracement देख सकते हैं। Retracement, not reversals. That being the case, 108 का resistance होगा या 109 से 109.50 से 110.00 के बीच में resistance होगा, वो हमें just इंतजार करना पड़ेगा। As of now, dollar index is consolidating. जब तक इसका pin bar का high नहीं तोड़ता है, तब तक पॉसिबिलिटीज होगा नीचे की तरफ जाने का। डॉलर रुपी, कल हमारा इंडियन मार्केट में जो क्लोजिंग दिया था 80.3050 पे, एंड अभी जो चल रहा है 81.40। पिछले 3 दिन में एक ऊपर जाने का प्रयास किया है। अभी आपको देखना है कि इस प्रयास में ये क्या कहना चाहता है। पहले 2 दिन में आप देखोगे कि शार्प रिजेक्शंस आया है फ्रॉम द टॉप, यानी आपका 14th of November एंड 15th of November। कल का जो कैंडल का टाइप है उसमें इतना ज्यादा प्राइस रिजेक्शंस नहीं हुआ है। दैट बीइंग द केस, थोड़ा सा बाइंग प्रेशर्स मार्केट में है। इस बाइंग प्रेशर में बेसिकली आपका 81.40 से 81.50 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन। कल एक प्रयास किया था 81.55 हाई मारने के बाद, लेकिन उधर सस्टेन कर नहीं पाया, फिर नीचे आपका 22 तक आ चुका था। अभी क्या ये जोन रेजिस्टेंस जोन होगा? एल्स आपका 81.80 से 81.90 इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज ए नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस होगा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये सपोर्ट में ट्रेंड लाइन रोल रिवर्स है। पहले जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी एक्सपेक्टेड होगा कि ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, एंड द पॉसिबिलिटीज और द प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई। जीबीपी डॉलर में आपका कल एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है।
विथ रिस्पेक्ट टू 15 नवंबर का मदर कैंडल, ये जो स्मॉल बॉडी कैंडल इनसाइड बार बनाया हुआ है, इनसाइड बार के हाई के ऊपर हम एक ऊपर की तरफ कॉन्टिन्यूएशन देख सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे 14 नवंबर का जो स्मॉल बॉडी कैंडल था वो आपका 11 नवंबर का मदर कैंडल के इनसाइड बार कैंडल था, उसके ऊपर आप देखो इनसाइड बार के हाई के ऊपर 1.1821 के ऊपर आपको जो एक अपवर्ड थ्रस्ट मिला था 1.2020 करीबन 200 पॉइंट का, 200 पिप्स का। सो दैट बीइंग द केस यहाँ पे इनसाइड बार के हाई के ऊपर हमें एक अपवर्ड थ्रस्ट देख सकते हैं, लेकिन अगेन जो मदर कैंडल का टाइप है वहां पे देखो जो मदर कैंडल का रेंज है उसका ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम द टॉप रिजेक्शंस हुआ है। दैट बीइंग द केस आपका 1.20, 1.2030 ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है। जीबीपी आईएनआर में कंटिन्यूअस हाई आर आई आयल फॉर्मेशंस हमें एक डीप का इंतजार है, सो दैट पोजिशनली आप एक अच्छा बाइंग सेटअप देख सकते हो। बढ़िया सा होगा अगर आपको 95.50 से 95.70 के आसपास कोई छोटा टाइम फ्रेम में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो यूरो डॉलर में आप देखोगे 1.0366 करेंटली है, ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बनाया हुआ है, एंड ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1.0375 के आसपास उसमें ही अभी टाइम पास कर रहा है। ये आपका देखोगे 11 नवंबर के बाद हमारा ये सोचना था कि यहाँ पे आने के बाद प्राइस क्या अपवर्ड मूव करेगा या यहाँ पे रिजेक्शंस लेके शार्प फॉल होगा या कंसोलिडेट करेगा। एज ऑफ नाउ हम जो देख रहे हैं यहाँ पे एक प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है। एक प्राइस कंसोलिडेशन होने के बाद देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाए। यूरो आइनर में कंटिन्यूअसली हायर है हायर लो फॉर्मेशंस, अच्छा अप मूव है। बाई डिप्स में हम पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं फॉर पोजिशनल लॉन्ग। डॉलर येन में 139.60 है, ये भी सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। दैट बीइंग द केस एक प्रोबेबिलिटी है, जैसे ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है डेटेड 15 नवंबर, उसके लो के नीचे हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम देख सकते हैं। एल्स अगर ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है इन सच ए केस 142.50 एक प्रोबेबल रेजिस्टेंस हो सकता है, एंड 145.3050 एक सेकेंड प्रोबेबल रेजिस्टेंस हो सकता है ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। येन आईएनआर पे अगर हम देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस जोन है वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, बेसिकली ये इंतजार कर रहा है इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने के लिए, लेकिन हमें देखना है कि ये इमीडिएटली तोड़ पाते हैं या एक रिट्रेसमेंट आता है। अगर रिट्रेसमेंट देता है दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी विथ स्मॉलर स्टॉप लॉसेस। डॉलर कैंडी में आप देखोगे 1.3355 अभी है, जैसे कि हमारा ये ऑब्जर्वेशन था 11 नवंबर के बाद कि यहाँ से एक बाउंस बैक करके कहाँ से वो रेजिस्टेंस ले, दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन। एंड जो मींस पिक्चर परफेक्ट जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है वो हो सकता है 1.3500 के आसपास। और यहाँ पे आप देखोगे एक शार्प फॉल के बाद आपका 14 नवंबर में एक ग्रीन कैंडल दिया था, शार्प फॉल के बाद फर्स्ट ग्रीन कैंडल में बाई नहीं करना है, उसके बाद वेट इंतजार करना है एक रेड कैंडल के लिए, एक या मोर देन वन, उसके बाद जब इस रेड कैंडल का हाई को तोड़ेगा तो एक अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। दैट इज व्हाट हम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में डब्ल्यू पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वही आपका यहाँ पे डॉलर कैंडल में हुआ है। हाई को तोड़ने के बाद एक अपवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये अपवर्ड कहाँ तक जाएगा वो हमें देखना है, बट एक पहला ग्रीन कैंडल पे बाई बिल्डअप नहीं करना है, उसके बाद रेड कैंडल के हाई को अगर तोड़ता है तो एक बाइंग पोजिशन होता हो सकता है। इट इज ए मीन्स एक ट्रेडिंग सेटअप। ऑसी डॉलर में अगर हम देखेंगे ये आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको 15 नवंबर को सक्सेसफुली ब्रेक कर चुका था, अभी रिट्रेसमेंट में बाइंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर सीएनए 7.11 जैसे कि हमारा एंटिसिपेशन था, एक पुल बैक कहाँ तक आता है उसके बाद एक सेल ऑफ का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो दैट इज गोइंग टू बी आवर बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यूके ऑयल और थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है आपका, ये आपका अभी है 91.93,
जैसे कि ये एक रेंज था, दैट इज आपका 99.30 ऑन द हायर साइड एंड 88.70-90 ऑन द लोअर साइड, एक जोन पे फंसा हुआ है. इट हैज टू ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज टू गिव ए प्रॉपर डायरेक्शंस. लेकिन अभी इसी के अंदर में ही आपका चॉपीनेस बरकरार है. यूएस 10-ईयर ट्रेजरी आपका 3.729, ये है. यहाँ पे नीचे की तरफ सेल ऑफ हो रहा है, जो प्रोबेबल सपोर्ट है आपका 3.577 का है. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे अपटिक में हम सेलिंग पोजीशंस बना सकते हैं. सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आप सभी का दिन शुभ हो. धन्यवाद.